अपमानित किया है और ये वही राजद के लोग हैं जिनके 15 साल में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित हुआ तो अति पिछड़ा समाज के लोग हुए, जिनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता था, मार के भगा दिया जाता था, वोट नहीं देने दिया जाता था। और जिसको लालू जी ने कभी जिन कहा था, वो जिन जब आपके साथ आ गया तब सरकार बनी। और आज वो जिन आपके साथ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। इसलिए ये गलतफहमी ना रहे, 2015 और 2020 में बहुत अंतर है। उस समय अति पिछड़ा आपके साथ था, आज नरेंद्र मोदी के साथ है। और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा है। और मित्रों, पिछली बार जब आपने गठबंधन तोड़ा आरजेडी से, तो आपने कहा मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करूंगा, और कहा कि तेजस्वी ने कोई जवाब नहीं दे पाए इसे मैं गठबंधन तोड़ रहा हूं। उस समय तो केवल सीबीआई ने छापा मारा था, अब तो सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दिया। तो आपके मंत्रिमंडल में जो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं वो चार्जशीटेड हैं, भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीटेड हैं, वो बेल पर हैं। कल कोर्ट अगर चाहे तो उनकी बेल को खारिज कर सकता है, उनको दोबारा जेल भेज सकता है। तो तेजस्वी यादव ये भ्रष्टाचार से जुड़े IRCTC घोटाले के मामले में ये चार्जशीटेड हैं, ये बेल पर हैं, उनका ट्रायल शुरू हो गया है और इतने पुख्ता सबूत हैं कि उस ट्रायल का परिणाम उनके जेल जाने में भी हो सकता है, उनकी सजा के रूप में भी हो सकता है। तो आपकी मंशा क्या है? क्या आप राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ना चाहते हैं? क्या आपकी साजिश है कि राष्ट्रीय जनता दल को तोड़कर और मैं बिहार का मुख्यमंत्री बना रहूं? लालू जी तो बूढ़े हो गए, बीमार रहते हैं, ये लड़का कब जेल चला जाएगा पता नहीं है। तो मित्रों, इसलिए मैंने कहा कि लालू जी ने कहा था, पलटू राम बीजेपी ने नहीं कहा था। इसलिए ये कल राष्ट्रीय जनता दल को भी धोखा दे सकते हैं, राजद के नेताओं को भी, और सावधान रहने की आवश्यकता है। मित्रों, उनकी महत्वाकांक्षा को लेकर बात हो रही है। मित्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके नजदीकी लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। लेकिन जब बीजेपी का अपना मोह है तो हम किसी दूसरे को क्यों उपराष्ट्रपति बनाते? तो पता नहीं, मुझे शायद यह भी कोई कारण हो सकता है। और मित्रों, नई सरकार बन गई है, आज शपथ ग्रहण होगा, और मैं केवल राष्ट्रीय जनता दल को स्मरण कराना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, अपने हर भाषण में कहा था, और कहा था कि 15 वर्ष के NDA शासन में रिक्त पड़े 4.5 लाख पद भरने के साथ साथ 5.5 लाख स्थायी पदों का सृजन, कुल 10 लाख स्थायी नौकरियों की समयबद्ध बहाली की प्रक्रिया पहली ही कैबिनेट बैठक में पहले दस्तखत के साथ शुरू होगी। तब इतना तेजस्वी यादव को इसी नाम पर वोट मिला, इतनी बड़ी संख्या में सीटों को जीतने में उनको सफलता मिली। तब इनको याद कराना चाहूँगा, आज या कल मंत्रिपरिषद के गठन के बाद जब कैबिनेट की पहली बैठक होती है तो आपका वायदा था, हर भाषण में आप जोर जोर से कहते थे कि कैबिनेट की पहली बैठक में और पहला हस्ताक्षर होगा कि बिहार के 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, सरकारी नौकरी, रोजगार यानी प्राइवेट सेक्टर में नहीं, सरकारी नौकरी दी जाएगी। समय के आपको स्मरण कराना चाहूँगा और हम रोज रोज आपको स्मरण कराते रहेंगे कि आपका 10 लाख नौकरियों का वायदा था, आप उस वायदे को पूरा कीजिए। और मित्रों, ने एक और वायदा किया था कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे। तो बिहार का किसान आपसे जानना चाहता है कि आप किसानों का कर्ज कितने दिनों में माफ करेंगे। और साथ ही साथ आपने कहा, आपने जो उनके आपने कहा कि आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका,
सहायिका रसोई कर्मियों के मौजूदा मानदेय को दुगना करके और जीविका दीदियों को नियमित वेतन नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो आशा वर्कर है आगे, ये जो आशा है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है, उनके वेतन को, उनके मानदेय को आपने दुगना करने की घोषणा की है। और नियोजित शिक्षकों के बारे में आपने कहा है कि समान काम समान वेतन की नीति लागू की जाएगी। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो वायदा किया था उस वायदे के अनुरूप, चूंकि डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर तो तेजस्वी यादव है, नीतीश जी तो केवल जिसको टिटुलर हेड कहते हैं वो दिखावे के मुख्यमंत्री होंगे, उनकी संख्या 80 है, आपकी संख्या 45-46 है। और लालू यादव के काम करने का तरीका क्या है सब लोग जानते हैं। तो दिखावे के मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार और असली मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी प्रसाद यादव। इसे मित्रों, केवल कि मैं जो उन्होंने वायदा किया था उस वायदे को याद कराते हुए, और अंत में केवल कि बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी कि अगर कोई शिकायत है तो हम आपकी शिकायत दूर करने के लिए तैयार हैं। दो दो बार धर्मेंद्र प्रधान आए, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, नहीं सब ठीक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक सरकार गिरने के एक दिन पहले हमारे पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ नेता ने दिल्ली से फ़ोन किया कि नीतीश जी सब ठीक तो है, बोला सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछा कि ये ललन सिंह का बयान आ रहा देख रहे हैं टीवी पर, तो कहा कि जैसे आपकी पार्टी में गिरिराज सिंह है वैसे हमारे पार्टी में ललन सिंह है, आप इन बयानों की चिंता मत कीजिए। फिर कहा कि भाई आपके बहुत सारे और नेताओं का भी तरह तरह का बयान आ रहा है, बोला अरे नेता लोग हैं, प्रवक्ता हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा कोई शिकायत हो, कोई कठिनाई हो, तो कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऑल इज वेल। और अब कह रहे हैं कि मुझे अपमानित किया जा रहा है। अरे क्या अपमानित किया आपको, आप ही बता दें क्या अपमानित किया, बताना चाहिए ना, एक शब्द बोल देने से तो नहीं होगा। तो सिर्फ मित्रों, अब तो सरकार बन गई, पार्टी ने जो कार्यक्रम घोषित किया उस कार्यक्रम के अनुसार हम काम करेंगे। तो पहली बात कि ये नरेंद्र मोदी का अपमान है, ये बिहार के अति पिछड़ों का अपमान है, और बिहार का अति पिछड़ा अगले चुनाव के अंदर एक एक वोट नरेंद्र मोदी की झोली में देकर इसका बदला लेने का काम करेगा। और जो अपमानित करने की बात करते करते हैं कि जो मैंने विस्तार से जिक्र किया आरसीपी सिंह का प्रकरण, मैंने सारी बातों का आपको जिक्र कर दिया है, 10 लाख नौकरियों की भी बात कही है। तब देखिए आगे आने वाले दिनों में नई सरकार किस तरह से काम करती है। तो मित्रों, इतनी बातें मुझे कहनी थी, कुछ आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं। देखिए, अभी तक नीतीश जी के जो काम करने का तरीका है, ये तो मैं था कि निभा दिया 13 साल, ये तो शायद मेरे समय में भी सरकार गिर सकती थी। तो नीतीश जी 2-2.5 साल से ज़्यादा किसी के साथ नहीं चल पाते हैं, चाहे जॉर्ज फर्नांडीज हो, शरद यादव हो, आरसीपी सिंह हो, मैं एक दर्जन नाम गिना सकता हूँ। तो मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन ये सरकार 2025 पूरा नहीं करेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। चलिए, मुझे और कोई उधर से मैंने तो कह दिया ना भाई कि उनको तोड़ भी देंगे तो सरकार हमारी नहीं बनेगी ना। शिवसेना की इतनी संख्या थी कि तोड़े तो सरकार बन गई, तो तोड़ कर ऐसे मिलाने का क्या मतलब है, और हम क्यों तोड़ेंगे? ये तो देखिए, हम किसी को तोड़ेंगे नहीं, हम दो साल बचा लोकसभा का, हम उसका इंतजार करेंगे। और इनको ये जो लगता है कि 2015 में दोनों मिल गए थे तो हम लोगों ने बीजेपी को 54 पर पहुंचा दिया, तो बहुत समय बदल चुका है। नरेंद्र मोदी 2015 वाले नरेंद्र मोदी ने 2020 के नरेंद्र मोदी हैं, और बीजेपी की भी जो ताकत है 2015 वाली बीजेपी नहीं है, ये 2020 वाली भारतीय जनता पार्टी है। चलिए ठीक है, जितनी बातें कह इसके संदर्भ में कुछ पूछ रहा हूँ तो पूछिए। और ठीक है,
ठीक है तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अलग से कोई बात नहीं करूँगा जो है, नहीं तो सबसे बात करनी पड़ेगी। इससे मेरा आग्रह कि जो अभी मैंने बातचीत की है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, कृपया उसी बाइट का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमको तो निमंत्रण नहीं है और मुझे नहीं लगता किसी भी बीजेपी के व्यक्ति को जाना चाहिए।